हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्किपिंग स्नैप किक या फिर स्किपिंग राउंड हाउस किक कैसे करना है। तो सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और स्किपिंग स्नैप किक या फिर स्किपिंग राउंड हाउस किक, ये जो किक है, ये मतलब ये स्किप जो किया जाता है, स्किप को दोनों तरीके से किया जाता है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम दिया है स्किपिंग राउंड हाउस पार्ट वन, ठीक है। क्योंकि इसमें एक तरीका दिखाने वाला हूँ और दूसरे पार्ट में दूसरा तरीका दिखाने वाला हूँ। तो दोनों तरीका क्या क्या है देखिए, एक होता है स्टेपिंग करके स्किप किया जाता है और दूसरा होता है हॉपिंग की मदद से स्किप किया जाता है। कैसे, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। पैर की तरफ नोटिस करना है आपको, ठीक है। देखिए पहला दिखाऊँ स्टेपिंग जो होता है, ठीक है, वो कैसे होता है। ये होता है स्टेपिंग और दूसरा होता है जो हॉपिंग, मतलब आप फाइटिंग स्टांस में खड़े हो, ये इसको कहा जाता है, मतलब हॉपिंग करके स्किप किया जा रहा है यहाँ पे। तो दोनों तरीका है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेपिंग साइड की, मतलब पहला वाला, ठीक है, मतलब स्टेपिंग करके जो स्किप किया जाता है वो वाला। अब देखिए, अगर आप एक फाइटिंग स्टांस में खड़े हो, ये ज़्यादातर मारा जाता है सामने वाले पैर से, मतलब आप फाइटिंग स्टांस में जिस पोजिशन में खड़े हो उस पोजिशन में आपका सामने वाला जो पैर होगा उस पैर से इसकी को किया जाता है। जी देखिए, ऐसे फाइटिंग स्टांस में खड़ा होना है आपको पहले, देन पीछे वाले पैर को सामने वाले पैर के सामने से क्रॉस कर रहा है उस पैर को, इस तरह एक स्टेप लेना है, देन यहाँ से आपको राउंड हाउस किक करना है। फिर से देखिए, ठीक है, इस साइड दिखाऊं, ठीक है, इस तरह, ठीक है, सामने से आपको स्टेप लेना है इस तरह, देन इस पैर के ऊपर बैलेंस करके यहाँ से राउंड हाउस किक को करना है। अब जब आप ये स्टेप करोगे, ठीक है, मतलब ऐसे कर पाओगे ठीक से आराम से, अब कोशिश कीजिए इस स्टेप को थोड़ा फास्ट करने का, इस तरह। फिर से देखिए, मतलब वो पैर को सामने ले जाना जो है वो आपको स्टेप को फास्ट करना है, मतलब ये पैर को ले जाने का, इस तरह, ठीक है। अब इसी तरह आप इसको 10-20 बार कर लीजिए, ठीक है, इस तरह, मतलब क्विक, आप सामने जो स्टेप ले रहे हो उस स्टेप को क्विक कीजिए और किक कीजिए, ठीक है। अब जब ये आपका हो जाएगा 10-20 बार, उसके बाद आप एक काम कीजिए, पीछे वाले पैर को उठा के ऐसे स्टॉप करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, स्टॉप, देन यहाँ से जंप करके किक, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ से पैर को उठा के स्टॉप, यहाँ पे पैर को स्टॉप करना है आपको, देन यहाँ से छोटा सा जंप करके किक, ठीक है। फिर से 1-2। अब इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे लोग पहले क्या करते हैं, किक मारते हैं वो पैर सीधा रहता है, मतलब देखिए राउंड हाउस किक में आपको एक मोड़ना है, एक चेम्बर बनाना है, उसके बाद किक को छोड़ना है, ठीक है। तो जब ही लोग जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो वो चेम्बर नहीं बन पाता है ठीक से, इस तरह मारते हैं, इस पैर को ध्यान दीजिए, वो लोग मोड़ते नहीं है पैर को, ठीक है, आपको क्लियरली मोड़ के हिट करना है इस तरह, ठीक है। तो वो लोग जल्दी में वो मोड़, मतलब चेम्बर बनाना भूल जाते हैं, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है जब आप फास्ट करेंगे। अब ये लास्ट स्टेप है, ठीक है, जो जहाँ पे आपको करना क्या है, आपको क्विक करके चेम्बर बना के आपको खड़ा होना है, बस किक नहीं छोड़ना है, मतलब ये वो जो स्टेप दिखाया, इस पैर को उठा के रखना है, उसके बाद जंप करना है, अब इसको आपको फास्ट करना है, देखिए, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे चेम्बर जाके, लास्ट में जाके चेम्बर बना के खड़ा होना है। फिर से देखिए, इस तरह, मतलब किक मारने वाले हो, चेम्बर बना के आपको खड़ा होना है, चेम्बर आपको ध्यान से और ठीक से बनाना है, ठीक है, इस तरह, वन मोर टाइम, इस तरह, आपको किक नहीं छोड़ना है, ये आपको ध्यान देना है, आपको पहले किक नहीं छोड़ना है। और दो बार दिखा देता हूँ, इस तरह, ठीक है, फिर से इस तरह। अब जब ये आपका हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से आपको किक छोड़ना है, प्रैक्टिस कीजिए, ओके, किक मार के किक बैक, मतलब टच बैक प्रैक्टिस कीजिए, फिर से
ठीक है। तो ये आपका स्किपिंग राउंड हाउस की या फिर स्किपिंग स्नैप की, जो कि आपको स्टेपिंग की मदद से स्किप करना है। अब आता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब नॉर्मल राउंड हाउस की आपको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए, ताकि आपको चेंबर में कॉन्सेप्ट हो, मतलब चेंबर कैसे बनाना होता है, पैर को मोड़ के उसके बाद छोड़ना होता है, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल या फिर आप कह सकते हो बड़ा भी है, आप ये शायद सोच रहे होंगे कि आप तो चले गए वहाँ, ठीक है, लेकिन स्टेप कितना लेना है, मतलब स्किप कितना करना है, वो डिपेंड करता है आप जिस टारगेट पे हिट कर रहे हो वो आपसे कितना दूर हो, ठीक है, या फिर आपका ओपोनेंट है या फिर आपका टारगेट जो है वो आपसे कितना दूर हो, आपका डिस्टेंस में वो मेंटेन करता है कि आपको स्टेप कितना सा लेना है। देखिए अगर मैं छोटा करता हूँ इस तरह होगा, थोड़ा दूर अगर होता है, मतलब पकड़ लीजिए मुझे यहाँ पे किक करना है तो मुझे थोड़ा बड़ा लेना है, तो मुझे तब पैर को थोड़ा ज़्यादा फेंकना है इस तरह, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट या फिर आपका ओपोनेंट आपसे कितना डिस्टेंस में है, तो इसीलिए डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्किपिंग की ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। अब आता हूँ हिटिंग पार्ट, मतलब पैर का किस किस हिस्से से आप हिट कर सकते हो। नॉर्मल राउंड हाउस किक, जिस पैर के जिस हिस्से से हिट किया जाता है, मतलब पैर को ऐसे सीधा रख के ये वाला सामने वाला हिस्से से आप हिट कर सकते हो, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको नॉर्मल राउंड हाउस की बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो सेम पोजिशन है और सेम एरियाज भी यूज़ होंगे हिट करने के लिए। अब आता है कि मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स आप करने वाले हो, मैं आप स्टेप्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। आप पहली अगर जंप करके किक करने जाओगे, मतलब वो स्टेप जो है वो जंप के साथ करने जाओगे, तो शायद आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपका पैर ठीक से खुलेगा नहीं या फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हो कैसे रहा है। तो इसीलिए मैंने पूरा एकदम पार्ट पार्ट करके दिखाया, ताकि अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है देन आप पहले से प्रैक्टिस कीजिए कि पहले एक नॉर्मल स्टेप उसके बाद किक, ठीक है, ये उसके बाद उस स्टेप को थोड़ा स्पीड में कीजिए, उसके बाद ऐसे पैर को उठा के वहाँ से छोटा जंप करके ऐसे किक, ठीक है, उसके बाद आप ज़ोर से फेंकिए पैर को और देखिएगा आ जाएगा। लेकिन अगर आपका पहले ही आ रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा है देन आप स्टेप्स के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यही वीडियो था। अगर आप इस वीडियो से किक को सीख पाए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो और लोग वीडियो से सीख पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो से आप सीख पा रहे हो देन ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और हाँ कुछ प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कॉमेंट में बताइए कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, मैं एक सॉल्यूशन बता के एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। और आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा मेरे एक अगले वीडियो के लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।